हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वसीम आय खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभणी महाराष्ट्र. आई वेलकम ऑल द व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स टू द लेक्चर सीरीज ऑफ जुडिशियल एग्जामिनेशन. सो टुडे वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ डिसऑनेस्टली व्हिच इज डिस्कस अंडर इंडियन पिनल कोड. सो एज वी नोज वेरी वेल various sections and various definition of offenses discussed under the Indian Penal Code start with the term whoever dishonestly. So we must know what is mean by dishonestly. So today's point of discussion will be the definition of dishonestly. We will discuss the question, previous question which has been asked by the examiner, as well as we will discuss the probable question which can be asked by the examiner on this particular definition. तो आज हम dishonestly की definition discuss करने वाले हैं, उसमें पूछे गए question भी हम discuss करेंगे, उसका example भी discuss करेंगे, किस तरीके का question examiner पूछ सकता है वो भी हम discuss करने वाले हैं. और हमको पता है कि Indian Penal Code के बहुत से offense की definition start ही होती है word dishonestly से. So we must know, हमको पता होना चाहिए कि what exactly the dishonestly means. So without wasting your much time, let's start the topic. Definition of dishonestly. So section 24 of Indian Penal Code defines the term dishonestly. Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that dishonestly. So whoever does anything, अगर कोई भी person कुछ चीज़ ऐसी करता है with an intention, उसका intention क्या है, of causing wrongful gain to one person, उसका intention ये है कि उसके act के जरिए किसी एक को wrongful gain कराना, to one person or wrongful loss to another person, मेरे act के वजह से अगर मुझे wrongful gain होता है और किसी और पर्सन को रॉन्गफुल लॉस होता है, सो इज सेड टू डू दैट थिंग डिसऑनेस्टली. तो जो मैंने ये चीज़ किया वो डिसऑनेस्टली किया, ये ट्रीट होगा. फॉर एग्जांपल, ये पेन किसी और की है, ये पेन किसी और की है, मैंने उस पर्सन के पोजीशन से ये पेन अपने पोजीशन में लिया, तो ये जो मेरा एक्ट है, ये जो मेरा एक्ट है, इससे क्या हुआ, जिसके पोजीशन से मैंने ये पेन लिया उसको wrongful gain, उसको wrongful loss हुआ और मुझे wrongful gain हुआ. तो ये जो मेरा पूरा process है, ये जो मेरा पूरा act है, that act is treated as dishonestly. I receive that property with an dishonest intention. तो ये जो मेरा पूरा process है, ये जो acquisition of pain है, ये dishonest है. My act is a dishonest one. I receive that property dishonestly. मैंने ये property dishonestly receive किया, क्योंकि ये जो process में मुझे wrongful gain हुआ और इसके pain के owner को wrongful loss हुआ. तो ये जो wrongful gain और wrongful loss का concept है, ये दो very essential part है dishonestly के definition के. अगर एक act में एक को wrongful gain हो रहा है, दूसरे को wrongful loss हो रहा है, तो ये जो पूरा act है, ये acquisition dishonestly कहलाएगा. इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, यहां पर क्या हो गया इस सिचुएशन में, इंग्रेडिएंट्स है डिसऑनेस्टली के, पहला है वो इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन. ये जो पेन मैंने हासिल किया उस पर्सन के पोजीशन से, तो मेरा इंटेंशन क्या है, आई वॉन्ट अ रॉन्गफुल गेन, क्योंकि मैंने उसके परमिशन के बगैर ये पेन को चुराया उसके पास से. तो इंटेंशन मेरा क्या था, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन, मेरा इंटेंशन रॉन्गफुल गेन का था. सेकंड वन इज इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, तो मैंने उसके परमिशन के बगैर जो उसके पास से वो प्रॉपर्टी एक्वायर किया, तो मेरा इंटेंशन था कि उसको पेन से डिप्राइव करने का, उसको पेन से वंचित रखने का. तो रॉन्गफुल लॉस, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, मेरा इंटेंशन उसको रॉन्गफुल लॉस पहुंचाने का था. तो ये दो चीज़ें इसेंशियल पार्ट है डिसऑनेस्टली का. एक तो
जो पर्सन प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा है उसको रॉन्गफुल गेन, और जिसके पास से रिसीव की जा रही है उसको रॉन्गफुल लॉस। अगर ये दो है तो डेफिनेटली ये जो ट्रांजेक्शन होगा दैट ट्रांजेक्शन इज कॉज्ड बाय डिसऑनेस्ट इंटेंशन, डिसऑनेस्टली कहेंगे हम उसको सेक्शन 24 में। सो देयर इज एन एग्जांपल, डेविड प्रिपेयर्ड अ फोर्ज्ड कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एंड वांट टू क्लेम कंपेंसेशन फ्रॉम जॉन। तो डेविड ने यहां पर क्या किया, एक फोर्ज्ड कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया, एक फेक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया, और वो कॉन्ट्रैक्ट के जरिए वो जॉन से कंपेंसेशन क्लेम करना चाहता है। किससे कंपेंसेशन? जॉन से। तो डेविड्स इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल गेन टू हिमसेल्फ, सो ही इज सेड टू डू दैट थिंग डिसऑनेस्टली। तो यहां पर जो डेविड का इंटेंशन क्या था, खुद को रॉन्ग